गिर जाएगा, इसको धक्का नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी खामोशी, पीछे पीछे खामोशी। ये जरा नीचे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। आज मैं कराची बार का आज शुक्र गुजार हूं कि आज आपने मुझे दावत दिया, और वो टाइम जब मुल्क की तारीख का सबसे फैसला कुन वक्त है। इसको नीचे करो ना, नीचे करो उसको। कराची बार मैं एक आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूं। अगर ये NRO2 ये जो दूसरी दफा बड़े बड़े मुजरिमों को अगर NRO2 देने में कामयाब हो गए, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू इवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपकी वकला कम्युनिटी के पास इसलिए आया हूं कि आप वो लोग हैं जो समझते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी आप समझते हैं, और अगर कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई गई कि ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से वापस NRO लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मैं इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ हों। और इंशाल्लाह मेरे जो पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी है, जो हमारे इस मुल्क के वकला हैं, इंशाल्लाह वो अब जिस तरह 1947 में पाकिस्तान मूवमेंट दो अजीम वकीलों ने लीड की थी, ये वक्त आ गया कि हकीकी आजादी के लिए मेरे सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। और ये जो डाकू पैसा लूट के बाहर NRO लेके लिए वापस, फिर लूटो और फिर बाहर, इस बारी अगर ये कामयाब हो गए, मैं फिर से कहता हूं हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सारे मेरे साथ चलेंगे अपने मुल्क के लिए।